प्रीवियस क्लास में हम लोग एरर्स के बारे में देख रहे थे। एरर्स मैंने आपको बताया, एरर्स पे आपने कुछ प्रॉब्लम्स किए, और एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसा कि मैंने बताया था, जिससे प्रॉब्लम्स के और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको और कुछ अभी एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। ये देखिए आप जो है, आपको प्रॉब्लम मेरे लिखते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ नई प्रॉब्लम्स भी रहेगी जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ तो ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, देखिए आप। पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम लिखता हूं। अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू depends on relation q equal to x cube y square divided by z. The percentage error in measurement of measurements of x, y, and z are 1%, 2%, and 4% respectively. What is the percentage error in the quantity of Q? What is the percentage error in the quantity of Q? ठीक, ऑप्शन दे रखा है पहला 4%, दूसरा दे रखा है 3%, 11% दे रखा है 11%, एंड डी दे रखा है 1%। देखिए आप इसमें क्या काम करेंगे, हमको क्या दे रखा है, q इक्वल टू, देखिए q बराबर गिवन है x क्यूब y स्क्वायर अपॉन z, ये दे रखा है। ठीक, अब हमने आप क्या बताया था, इसको डेल्टा q अपॉन q इनटू 100 बराबर क्या लिखा जाएगा, यहां पावर 3 है, 3 को पहले ले लो, 3 इनटू डेल्टा x अपॉन x इनटू 100 आ जाएगा, प्लस यहां पावर कितना है 2 है, ये जाएगा 2 इनटू डेल्टा y अपॉन y इनटू 100 आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ z इसकी पावर 1 है, ये सिर्फ डेल्टा z अपॉन z लिखा जाएगा इनटू 100, ये इतना जाएगा। ठीक, डेल्टा q अपॉन, अब ये हो जाएगा 3 इनटू डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x अपॉन x यानी x में परसेंटेज है, तो कह रहा है कि x y एंड z, x में 1% है, तो 3 इनटू 1% प्लस ये पूरा 1% हो जाएगा, प्लस 2 इनटू डेल्टा y, डेल्टा वाई अपॉन यू वाई इंटू 100, ये कितना दे रखा है 2 × 2% दे रखा है, प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 4%, ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो अब इनको सॉल्व कर लिए, 3 प्लस 4 प्लस ये 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 + 4 = 8, और ये 11%, ये इतना निकल के आ गया 11% ही आ गया। ठीक, ये आप बता दी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर 11% ही हो गया, ये इस तरीके से ये सिंपल है बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था कि जितनी पावर्स होती हैं इनको पहले लेते हैं, इनके पहले फिर डेल्टा x अपॉन x 2 इनटू डेल्टा, जो भी पावर होगा पहले फिर उसका डेल्टा अपॉन गुण, फिर नेगेटिव पे नहीं आता, जैसे नीचे है यानी कि यहां माइनस है। ठीक, चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए
अब नेक्स्ट कॉलम लिखते हैं आपके सामने इसी तरीके से, और भी और कॉलम लोग देखते हैं, ये है नेक्स्ट कॉलम। इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्स, देखिए हम सिंपल सा आपको ये लिखते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट वगैरह छोड़िए, इसमें जो दिया हुआ है इसी एक्सपेरिमेंट में पी बराबर दे रखा है ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी, ये दे रखा है। परसेंटेज एरर इन पी बताना, परसेंटेज एरर इन पी निकालना, पी में कितना आएगा, गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी गिवन, गिवन परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी, एंड डी आर ये कितना दे रखा है 1%, 2%, 3% एंड 4%, एंड 4% ये इतना दे रखा है, ठीक। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए सब कुछ मैंने हटा के एकदम शॉर्ट में लिख दिया, इसका क्या लिखोगे, P इक्वल टू कितना दे रखा है, P इक्वल टू दे रखा है a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c इनटू d, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा p अपॉन p, ठीक। ये इक्वल टू हो जाएगा 3, पहले ले लो डेल्टा a अपॉन a, प्लस b स्क्वायर 2, पहले डेल्टा बी अपान बी, फिर प्लस सी डेल्टा सी अपान सी, प्लस डेल्टा डी अपान डी, ये इतना है। सबको परसेंटेज रख दे रखा है, परसेंटेज रख पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, ये आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये D का परसेंटेज एरर निकल के आ गया, ठीक। जो कितना दे रखा है लास्ट में, प्लस 4 दे रखा है, ये C का परसेंटेज एरर निकल के आ गया, ये कितना दे रखा है 3% दे रखा है, प्लस डेल्टा P अपॉन P कितना रखा है 2%, ये 2 पहले है आपका, ये वाला 2 यहां पर है, 2 इनटू 2 ये इतना रहेगा, प्लस 3 इनटू डेल्टा ए अपॉन ए, 3 इनटू ये डेल्टा ए अपॉन ए, ये कितना दे रखा है 1%। अब इनको सॉल्व कर लिए, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 ये इतना आ जाएगा 3 3 6, और 3 + 3 6 + 4 10 14% आ गए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के कॉलम्स आएंगे तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए फटाफट। देखिए अभी हमने आप बता दिए इस टाइप के, जितनी पावर रहेगी उस पावर को इसके पहले ला कर रखें, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, तो इसको रख कर देते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा इस टाइप का, कहीं कहीं फार्मूला अपने आप लिखना पड़ेगा आपको, नहीं दिया रहेगा तो उसका पूरा, यहाँ तो कहीं फार्मूला गिवन है, जैसे ये इतना P बराबर इतना दे रखा है, कहीं नहीं गिवन रहेगा तो अपने आप लिखना पड़ेगा, लिख करके उसको फिर डिफरेंस, जैसे ये डिफरेंशिएट करके मैंने लिखा था, लिखने का तरीका बता दिया था ना, पावर को पहले और उसके बाद जो है ये चीज, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। चलिए हो गया, अब उस पर देखिए, अब इसमें आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.3%, व्हाट इज द परसेंटेज एरर, what is the percentage error in the measurement of its volume, in the measurement of its volume, measurement of its volume, a option that have 0.3%, b that have 0.6%, C दे रखा है 0.9%, D दे रखा है 4/3, पाई इनटू 0.3 का होल क्यूब। देखिए मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पूरा ऐसा बता रखा है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम बेसिक में इसमें सारे फार्मूले आपको लिख करके दिया, जाकर के उसको मेंसुरेशन के मेंसुरेशन वाले लेक्चर में उसको
रिवाइज कर लिए, तो द एरर इन मेजरमेंट ऑफ, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इतना दे रखा, व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, ये पूरा पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, डेल्टा वी अपॉन वी, ये आएगा 3 इनटू, यहां पर कितना आएगा 3 इनटू, ये हो जाएगा 3 इनटू डेल्टा आर अपॉन आर, ये आएगा परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100, ये आएगा 3 इनटू डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, ये इतना दे रखा है, ये 3 है और ये गिवन कितना है 0.3% दे रखा है, ये पूरा पूरा हमें परसेंटेज में दे रखा है 0.3% दे रखा है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आया 3309.9% निकलता है, 0.9% या ये इजी सवाल कंपटीशन का आया क्वेश्चन, ठीक, तो आपको ये बता दिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम हम मोड़ लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम पहले स्कोर अप कर दें फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको बताएं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए आप फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर ये फार्मूला नहीं पता हो, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया था, वहाँ हाफ एम वी स्क्वायर हमको लिखना पड़ा था, ऐसे ही कहीं कहीं ये फार्मूले आपको जितनी जरूरत है उस समय आपको बता रखता हूँ, कुछ नहीं भी होगा तो कार को प्रॉब्लम एक्स्ट्रा आ जाएगा बता देंगे, लेकिन जैसे अगला आगे चैप्टर आप पढ़ेंगे सारे फार्मूले अपने आप आ जाएंगे, ये आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं, लेकिन अभी फिलहाल जितना जरूरत पड़ेगा वो आपको बता दिया गया पहले से, उतना आता है आपको। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, ये हो गया, उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम देखिए, इसी टाइप में इसी पे जो भी आपको प्रॉब्लम बताया इसी पे दूसरे टाइप की प्रॉब्लम अगर आएगा तो कैसे आएगा, इसी प्रॉब्लम को फिर से चेंज करके देते हैं। देखिए इसमें ये है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 5.3 plus minus 0.1 centimeter, then percentage error in its volume, percentage error in its volume will be ये कितना हो जाएगा, और इसके ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 3 + 6.01 × 100 / 5.3, बी 1/3 × 0.01 × 100/5.3, सी 3 × 0.1 / 5.3 × 100, डी 0.1 / 5.3 × 100, ये दे रखे हैं। अभी आपको इससे पहले वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन कराया था, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है V = 4/3 πr³, यही बताया था, वहां भी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछा था, वहां परसेंटेज दे रखा था या गिवन नहीं, यहां भी परसेंटेज एरर ही पूछा है, डेल्टा V / V ये कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होगा 3 × δr/r, यहां परसेंटेज निकालना है डेल्टा V / V × 100, ये इक्वल हो जाएगा 3 × δr/r इनटू 100, ये इतना आ जाएगा। अब 3 δr, देखिए ये जो गिवन है ये रेडियस है, ये रेडियस r है और ये 0.1 जो प्लस माइनस लगा रहता है δr, जैसे a बताया था ये δr बताया था, a प्लस δr है प्लस माइनस, b बताया था b प्लस माइनस δr, ये हो जाएगा यहां पर। अब δr कितना दे रखा है 0.1, आपकी परसेंटेज नहीं दी अपने निकालना पड़ेगा, r कितना दे रखा है यहां, r दे रखा है 5.3 × 100, अब इनको सिंपलीफाई के लिए सिंपलीफाई करने कितना भी आ जाएगा, देखिए ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 / ये 53 आ जाएगा, अब 6 टाइम जाता, लेकिन 6 टाइम जाएगा 50 होता तब 6 टाइम जाता, यानी 53 तो 6 से कम जाएगा, इसमें इन्होंने कुछ अच्छे इन्होंने सॉल्व किए ही नहीं, डायरेक्ट ये इसी टर्म में आंसर दे दिया, इतना ही है ये इतना, तो 3 × 0.1 × 5.3 × 100 और हमको ये डेल्टा आर और आर कहीं कहीं अभी तक दे रखा था, इतना पूरा मिलाकर इतना दिया रहता था,
अब फिर अपने इन्होंने डेल्टा आर दे रखा है और आर दे रखा है, तो दोनों रख करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया, दोनों वैल्यू रख करके फिर कैलकुलेट कर लिया। इस टाइप के कॉलम भी आपको मिलेंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट। तो समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बताया? तो इसका देखिए बहुत परसेंटेज एरर बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना होगा, इस टाइप के कॉलम्स में जब भी हमको जरूरत पड़ेगी, जब भी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला लिखा जाएगा। फार्मूला लिखने के बाद हो सकता है कि आपको परसेंटेज एरर गिवन, जो जो टर्म आगे आ रहे हो सकता है परसेंटेज एरर गिवन नहीं होगा। परसेंटेज एरर अगर गिवन नहीं होगा तो फिर क्या काम करेंगे, परसेंटेज एरर अगर गिवन नहीं होगा तो हमको जैसे डेल्टा आर दिया है, आर दिया है, इस टाइप की चीजें गिवन होगी, इनको हमें वैल्यूज रख करके सॉल्व करके तब निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में देखिए अगली प्रॉब्लम ये, अ बॉडी एक्सीलेट, अ बॉडी एक्सीलेट, बॉडी एक्सीलेट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, with uniform acceleration, with uniform acceleration a time t, the uncertainty in a is 8% and in t is 4%. The uncertainty in speed is, मतलब परसेंटेज एरर निकाल, अनसर्टेनिटी मतलब परसेंटेज एरर बताना, द अनसर्टेनिटी in speed is, अब पहला ऑप्शन में रखा है 32%, दूसरा रखा है 12%, तीसरा रखा है 8%, चौथा रखा है 2%। ठीक, ये अनसर्टेनिटी दे रखा है इसका ए और टी का अनसर्टेनिटी दिया हुआ है। हमें अनसर्टेनिटी यानी परसेंटेज एरर किस होता है, स्पीड होता है, और एक्सीलेशन और टाइम पे दिया है, एक्सीलेशन और टाइम पे। अब एक्सीलेशन और टाइम में क्या रिलेशन होता है, एक्सीलेशन और टाइम में अगर रिलेशन निकालना हो तो एक्सीलेशन और टाइम में हम क्या रिलेशन निकालेंगे, इसके दो तरीके हैं। देखिए एक तो हमको मालूम है कि एक्सीलेशन, अगर आपको अभी पता नहीं होगा, एक सिंपल सा फार्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस एटी, चाहे इससे निकालिए। इसमें कह रहा है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो यानी u जीरो आ गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा a * t। एक तरीका ये, एक ये होता है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही होती है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होता है a बराबर होता है डेल्टा v / डेल्टा t, यानी a इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा v को, a इक्वल टू v / यहां पर डेल्टा v, तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा यहां पर a * डेल्टा t, यानी एक तरीके से भी v बराबर a * t यहां से दिए, ये फार्मूला यूज हो गया। अब हमको बताना है स्पीड में अनसर्टेनिटी बताना है, स्पीड की अनसर्टेनिटी यानी स्पीड में हमको परसेंटेज एरर निकालना। तो ये आप, ये अगर आपको कम समझ में आ रहा हो, अभी आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रखा है तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन ये आपने 10th में पढ़ रखा होगा, इसमें स्पीड, एक्सीलरेशन और टाइम रिलेशन। तीसरा दूसरा फार्मूला होता है s = ut + t2, ये डिस्टेंस, स्पीड और एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन होता है। तीसरा होता है v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इसमें स्पीड है, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस है, टाइम नहीं। ठीक, इसमें हमको v इक्वल टू, अब हम आपको जो तरीके बताए थे ये प्रोडक्ट वाला के, तो डेल्टा v / v ये इक्वल हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा a / t + डेल्टा t / t, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा v / v * 100,
ये इक्वल टू जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इनटू 100। ठीक, हमें डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए द आंसर टीटीन इज डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100 कितना दे रखा है एक्सप्रेशन में, द आंसर टीटीन ए 1% कितना दे रखा है 8% दे रखा है एंड इन टी डेल्टा टी अपॉन टी डेल्टा टी अपॉन टी इनटू 100 ये कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यहां पर ये पूरा पूरा ये 4 दे रखा है 4% ये आ गया तो ये 12% निकल के आ गया 12% ये 4% दे रखा है ये 8% दे रखा है कितना हो जाएगा 12% ये वाला करेक्ट हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से परसेंटेज देना, कभी कभी फार्मूला नहीं गिवन रहेगा, फार्मूला ना देने की पोजीशन पर आपको सवाल को पढ़ करके उसमें से फार्मूले को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, क्या निकालना है आपको, जैसे इसमें स्पीड निकालना है एक्सेलरेशन और टाइम दिया है तो आप ये दिमाग दौड़ाइए आप अपना कि स्पीड एक्सेलरेशन और टाइम इसमें क्या रिलेशन निकल के आता है, जब ये रिलेशन पता चल जाए तो आप निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट कॉलम लोग देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट कॉलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सी स्टोरी लंबी है इसलिए हम इसमें कुछ कट नहीं करेंगे पूरा लिखेंगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, the period of oscillation of a simple pendulum is given by ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले डायमेंशन करेक्ट कराने में, is given by t equal to 2 pi under root l upon g, ठीक, where l is about where L is about 100 cm and is known to have 1 mm accuracy. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillation. The period is about 2 seconds. ठीक है, ये 2 सेकंड दे रखा है। The time of oscillation, the time of 100 oscillation is measured. 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G is ठीक, पहला इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन 0.1%, सेकंड 1%, थर्ड 0.2%, फोर्थ 0.8%, ये दे रखा है, ये परसेंटेज एरर दे रखा है। ठीक, अब यहां पर जो है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, फार्मूला दे रखा है, इसमें भी आपको चीजें समझनी है।
टी बटू हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी। हमें परसेंटेज एरर किसको निकालना है, परसेंटेज एरर हमको निकालना है जी का। तो यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग कर दिए, टी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 दो तरफ की स्क्वायरिंग है, टी स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, ये इतना आ जाएगा। तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी इधर ले लिए टी स्क्वायर नीचे, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये जी आ गया। हमें परसेंटेज एरर इन जी में बताना है। अब ये है इसको कैसे लिखा जाएगा, जी को परसेंटेज एरर में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100, ये 4 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, एल डेल्टा एल अपॉन एल ये हो जाएगा, प्लस इनटू 100 कर दीजिए, अगर 100 लिख दिए प्लस टी स्क्वायर पावर को पहले लीजिए, डेल्टा टी अपॉन टी ये इतना आ जाएगा, ठीक इनटू 100, ये परसेंटेज एरर आ गया निकल गया, ये परसेंटेज एरर आ गया। अब आपको डेल्टा एल पहचानना है, डेल्टा एल कितना होगा, डेल्टा एल पहचानना पड़ेगा कि डेल्टा एल कितना है, ठीक डेल्टा एल पहचानना है, और यहाँ पर डेल्टा टी पहचानना है, ये कह सकते हो कि परसेंटेज हमको किस में निकालना है, जी में। तो यहाँ दे रखा है इज गिवन बाय इतना, वेयर एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 एमएम एक्यूरेसी, ये 1 एमएम जो दे रखा है ये डेल्टा एल हो गया, और ये 100 जो दे रखा है 100 सेंटीमीटर ये एल हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट के साथ रखे, डेल्टा कितना दे रखा है 1 एमएम, एल कितना रखा 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखे इनटू 100 ये आ गया, प्लस 2 इनटू डेल्टा टी, इधर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 2 सेकंड, ये दे रखा है अपना टी दे रखा है, ये क्या चीज दे रखा है, टी दे रखा है 2 सेकंड, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, ये 100 ऑसिलेशन के लिए है, हम लोग ये भी देखते हैं एक ऑसिलेशन के लिए देखते हैं 100 ऑसिलेशन के लिए, तो ये 100 ऑसिलेशन के हमको एक ऑसिलेशन के लिए केवल देखना पड़ता है, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का होता है, ये 100 का, तो ये क्या था 100 ऑसिलेशन, एक एक ऑसिलेशन में 100 ऑसिलेशन 2 सेकंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा इज अबाउट अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट मतलब ये क्या रखा है, ये भी डेल्टा टी है, लीस्ट काउंट जहां कहीं रहेगा डेल्टा टी समझ जाइए, क्या लीस्ट काउंट वो उसका डेल्टा होगा, चाहे लीस्ट काउंट लेंथ कर दिया जाए, चाहे रेडियस कर दिया जाए, चाहे टाइम कर दिया जाए, लीस्ट काउंट मतलब क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है लीस्ट काउंट मतलब वो डेल्टा में आ जाएगा, तो लीस्ट काउंट कितना रखा है 0.1, ये 0.1 ये आ गया, डिवाइड बाय टाइम, टाइम इतना 2 सेकंड दे रखा है, लेकिन ये 2 सेकंड टोटल टाइम 100 ऑसिलेशन का, 100 ऑसिलेशन का टाइम, ठीक है 2 सेकंड इनटू 100 यहां और लिखा जाएगा, ये इतना प्लस ये इनटू इनटू 100 ये आ गई है, ठीक। अब इनको सिंपलीफाई करके देखिए, ये सेकंड ये सेकंड, ये 0.1 सेकंड ये 0.2 सेकंड, ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां एमएम है यहां सीएम है, mm को cm में कन्वर्ट करो, तो 1 mm मैंने आपको बताया था कि देखिए इधर mm रहेगा, इधर सेंटी रहेगा, इधर सेंटी रहेगा, इधर डेसी रहेगा, डेसी इधर डेसी रहेगा, ठीक इधर मीटर रहेगा, तो हमको mm से सेंटी की तरफ आना, नीचे की तरफ आना, कितने जीरो नीचे आएंगे, एक mm से सेंटी एक स्टेप नीचे आएंगे, नीचे आने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितना जीरो नीचे आए, एक जीरो नीचे आए, एक जीरो से डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो डिवाइड करने को मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए 1 एमएम, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, ये इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको अगर कन्वर्ट कर लिए तो ये पॉइंट आप 10 से डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, तो यहां पर 0.1 लिख देते हैं, अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में आ गया और ये 100 सेंटीमीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा इनटू 100 ये कितना है, प्लस आगे कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 into 0.1 divided by 2 into 100 divided by 100 ये इतना आएगा, 2 into 100 divided by 100 ये इतना, ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 से 2 0.1 ये इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 0.2 तो 0.2% निकल करके आ गया, ये 0.2% ये आ गया 0.2%, समझ में आया। तो इस तरीके से जो है मैंने आज आपको ज्यादा नहीं बताया, जो आप पिछले प्रॉब्लम्स कराया था उन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड कैसे कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे डेल्टा कैसे लिखोगे, डेल्टा एल कैसे लिखोगे, डेल्टा टी कैसे लिखोगे, डेल्टा आर कैसे लिखोगे, कभी आर दिया रहेगा हर जगह,
अब इस तरीके से कॉलम्स घुमा कर कहते हैं थोड़ा सा पिछली वाले क्लास से हल्का सा लेवल अप करके दो तीन नई प्रॉब्लम्स है, बाकी प्रॉब्लम बाकी और प्रॉब्लम्स तो वैसे ही थे, वैसे जैसे पहले थे वैसे ही थे, लेकिन ये मैंने आपको जो सिखाया ये वाले एक दो प्रॉब्लम जैसे ये वाले प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया है, इससे पहले वाले एक्स्ट्रा सिखाया है, ठीक। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिए इस टाइप की, आपको नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में हम और अब थोड़ा सा और हाई लेवल की प्रॉब्लम्स कराएंगे जो क्या के जरूरत आपको मतलब और काम आएगा, ठीक। तो आज क्लास में बस इतना ही, आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में और हाई लेवल प्रॉब्लम्स लेकर डिस्कस करेंगे।